हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑल इन वन चैनल में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप कोई भी टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकता है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये कैलकुलेटर दे सकते हैं। अगर आपको बेसिक टैक्स स्लैब की इन्फॉर्मेशन है तो आप इजीली अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको टैक्स स्लैब के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो 2018-19 का जो टैक्स स्लैब है वो ये है कि अगर 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% देना है, जो कि इससे पहले 2017 में 10% था। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको जो है 20% देना है, और 10 लाख के ऊपर है तो आपको 30% देना है। ये सिंपल नॉर्मल सिटीज़न के लिए, जो कि 60 से बिलो हैं। जो लोग 60 से ऊपर है उनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख तक जो है 5% का टैक्स देना है, और 5 लाख से 10 लाख 20% जैसे बाकी सब लोग दे रहे हैं, और 10 लाख से ऊपर जो है 30% का। एक आता है सीनियर सिटीज़न के ऊपर, आता है सुपर सीनियर सिटीज़न, जिसमें और ज़्यादा छूट है। 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर जो है 30% का। उसमें जो भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसमें आपने क्या करना है, 5 लाख माइनस कर देना है, क्योंकि ये 5 लाख वो हैं जिसमें आपको टैक्स नहीं देना। अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करें तो जो भी आपका टैक्सेबल इनकम होगा उसमें से आपको 3 लाख माइनस करना है, 3 लाख माइनस करना है। और जो सिटीज़न जो 60 से बिलो हैं, इंडियन सिटीज़न, उनके लिए 2.5 लाख माइनस करना है जो भी आपका टैक्सेबल इनकम बनेगी। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि आपको आपका टैक्स कैसे पता चलेगा। ये देखिए, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट है जिसमें कि टैक्स कैलकुलेटर बना हुआ है। अब दो चीज़ें हैं, 2017-18 और 2018-19, इन दोनों में जो है डिफरेंस आया है। किसमें डिफरेंस आया, जो 5 लाख तक का जो स्लैब था उसमें 5% 2018-19 में देना है, और 2017-18 में था वो 10%। हम 2018-19 की बात कर रहे हैं तो मैं 2018-19 सेलेक्ट करता हूँ। टैक्स पेयर कैसा है, इंडिविजुअल है, फर्म है, फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, ये आपका जो है इंडिविजुअल का है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद से मेल है, फीमेल है, ये तीन कैटेगरी, मेल, फीमेल, सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न। जैसा कि आपको पता है मेल में जितने भी लोग जो 60 से नीचे वो सारे मेल में आ जाएंगे, सीनियर सिटीज़न में जो कि 60 से अबव 80 से कम, और सुपर सीनियर सिटीज़न में जो 80 से अबव है, सबके लिए अलग अलग छूट है। सीनियर सिटीज़न के लिए अप टू 3 लाख कुछ भी टैक्स नहीं देना, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, और सिंपल मेल के लिए जो है आपको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। मैं सिंपल मेल चेक सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तो यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं, अगर मेरी टोटल इनकम 6 लाख रुपए है, जो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी है वो 6 लाख रुपए है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 लाख डाल दिया। उसके बाद से आपका आता है डिडक्शन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेज है वो सब आपने ऐड करना है। यहाँ पे कोई बिजनेस से प्रॉफिट है वो यहाँ पे ऐड कर देना है, कैपिटल गेंस है, या आपको रेंट मिलता है कहीं से आपके मकान का, वो सारे के सारे आपको ऐड करने हैं। एक बार ऐड करने के बाद से अब आप आते हैं अपने डिडक्शन में, जहाँ की आप सेविंग करते हैं। सेविंग में जो 80C है उसके अंदर आप 1,50,000 तक की सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने LIC में 10,000 रुपये डाले हैं तो यहाँ पर आप 10,000 डाल दीजिए। अगर आपने जो है अगर आपने कोई NSE में इन्वेस्टमेंट किया है तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपने कोई PPF में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ पे PPF का इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हैं। अगर कोई और आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आप डाल सकते हैं इसमें। इसमें मेन चीज़ क्या है कि आप 1.5 लाख तक की सेविंग शो कर सकते हैं। 1.5 लाख के ऊपर आपने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको कुछ भी टैक्स नहीं मिलेगा। सपोज़ मैंने 40,000 डाल दिया तो टोटल ये हो गया 2 लाख, लेकिन जो मेरे को
टैक्स में छूट मिलेगी वो सिर्फ मेरे को 1.5 लाख की मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 1.5 लाख है जो ATC के अंदर आता है। ATC के अंदर आप सिर्फ 1.5 लाख का, ATD में जो है आप मेडिक्लेम जो है 25,000 का और ऐड कर सकते हैं, जो आपका मेडिक्लेम जितने का भी आपने इंश्योरेंस ले रखा वो ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटल मिला के जो है, ये देखिए ये डिडक्शन के बाद से जो आपने सेविंग की है वो डायरेक्टली आपके जो टोटल इनकम थी उससे डिडक्ट हो गया और आपका टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,50,000 है। अब ये 4,50,000 में आपकी जो है 2.5 लाख भी है जो कि जिस पे कि कोई टैक्स नहीं देना। तो आपने सिंपल क्या करना है, 2.5 लाख माइनस कर देना है इस 4,50,000 में से। ये देखिए आप 2.5 लाख सीधे सीधे इसमें माइनस कर दीजिए, ये है 2 लाख। आपने 2.5 लाख सीधे 4,50,000 में से, 4,50 में से 2.5 लाख, 2 लाख। तो जो आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो बनती है 2 लाख। इस 2 लाख का आपको सिर्फ 5% टैक्स देना है डिवाइडेड बाय 100। तो ये बन गया 10,000 रुपये जो कि आपको टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स पे करना है आपको। इसी तरह से अगर आपकी ज्यादा आपकी सैलरी है, 6 लाख के बजाय आपकी जो है 8 लाख की सैलरी है, अगेन आपने जो है 1.5 लाख का जो है ATCC के अंदर जो सेविंग कर रखी है, तो वो 1.5 लाख माइनस करने के बाद आपका बचता है 6,50,000। अब 6,50,000 जो है ये आपका जो है टैक्सेबल इनकम बनता है जिसमें कि हमने अभी 2.5 लाख माइनस नहीं किया। अब इसका देखिए क्या ये 6,50,000 है, इसमें दो पार्ट्स बनेंगे। एक तो 5 लाख से जो ऊपर है वो है 1.5 लाख, और 5 लाख के अंदर जो है 2.5 लाख माइनस करेंगे तो जो 2.5 लाख पे इंटरेस्ट बनेगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दो पार्ट हैं क्योंकि ये दो पार्ट में आया था, एक तो पहले पार्ट में 5% में भी आएगा और दूसरा 20% में भी आएगा क्योंकि ये 20% के टैक्स स्लैब में आ जाता है क्योंकि 5 लाख से ऊपर है। जो अमाउंट 5 लाख से ऊपर है वो है 1.5 लाख, तो आप 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% डिवाइडेड बाई 100, तो ये बना 30,000। जो 5 लाख से ऊपर है वो 30,000 बना। 5 लाख से जो नीचे है उसमें से आपने 2.5 लाख माइनस करना है, जो 5 लाख बचता है ये 30,000 आपका बन गया जो 5 से ऊपर है। अब आपके पास है 2.5 लाख जो बचा है क्योंकि उसमें से आपने 2.5 लाख माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस किया तो आपके पास बचा 2,50,000, इसका 5% इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। तो ये बना 12,500 और वो था 30,000, तो 30,000 12,500 प्लस 30,000 इक्वल टू 42,500। तो इस तरह से अगर आपका 5 लाख से ऊपर आता है तो आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो दो पार्ट्स में करना है। आपका ये अगर 8 लाख आता तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ता कि जो 5 लाख से ऊपर है वो 3 लाख है, 3 लाख पे लगेगा 20% और उसके नीचे जो है आपको 12,500 का देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो भी सैलरी वैल्यू है, जो भी टोटल सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं यही केस अगर मैं सीनियर सिटीजन के लिए करता हूँ तो देखे वो कि आप इसमें और आपको कम हो जाएगा। ये देखिए सीनियर सिटीजन, आप देखिए 8 लाख सेम सब कुछ है और जो आपको टैक्स बनेगा वो देखिए आप कितना बनता है, ये 40,000 बनता है। तो इस तरह से सुपर सीनियर सिटीजन करेंगे तो और आपका टैक्स कम बनेगा क्योंकि हर का स्लैब अलग अलग है। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डिडक्शन के बाद से जो बचता है उसमें से आपने क्या करना, अपना 2.5 लाख माइनस करना है। वो भी अगर 5 लाख से ऊपर है तो दो पार्ट्स में होगा, जो 5 लाख से जितने भी ऊपर है उस पर तो 20% देना है, उसके नीचे जो 5 लाख है जो नीचे उसमें से 2.5 लाख माइनस करके तब आपने करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि अगले वीडियो का मैसेज आपके पास आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।